विधायक जी, आपके हाथ जोड़ते हैं, रहम करो और गरीबों की जमीन छोड़ दो। ये शब्द है एक बेबस महिला प्रधान की। दरअसल कानपुर देहात के भोगनीपुर से बीजेपी विधायक विनोद कटियार का एक और काला चिट्ठा सामने आया है। इस बार बीजेपी विधायक विनोद कटियार ने अपने रिश्तेदारों और गुर्गों के साथ सिकंदरा नेशनल हाईवे 2 पर पड़ी ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर बुजुर्ग की ग्राम समाज की लगभग 6.5 बीघा जमीन कब्जा कर ली है। जमीन की कीमत करोड़ों रुपए है। ग्राम पंचायत महमूदपुर बुजुर्ग के गांव बख्शी डेरा में रहने वाली प्रधान संपत्ति देवी के पति ने ग्राम समाज की जमीन बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। क्या SDM, क्या DM और क्या IGRS, इतना ही नहीं मुख्यमंत्री तक शिकायत की गई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। होटल के पास 6.5 बीघा जमीन है, तो ये अनुज कटियार और भोगनीपुर के विधायक है, ये कब्जा कर रहे हैं। हाँ, जबरदस्ती, और हमको भी 2-4 बार भी धमकी दी है। माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, DM, SSP कप्तान को और आपका DGP तक हमने खबर पहुंचाई, लेकिन अभी तक मेरा कोई भी सुनाई नहीं हुई। ग्राम प्रधान और उनके पति की माने तो दबंग बीजेपी विधायक अपने रिश्तेदार और गुर्गों के साथ जमीन पर कब्जा कर लिया और विरोध करने पर घर आकर उन्हें कई बार धमकियां दे चुका है, जिससे पीड़ित प्रधान का परिवार खौफजदा है। खौफ इतना कि प्रधान के बच्चों ने कॉलेज जाना बंद कर दिया है। असला लेके हमारे मम्मी पापा को धमकाते हैं कि मार डालेंगे, ये है वो है, तो सर इसलिए हमारे मम्मी पापा हमें स्कूल नहीं भेज रहे कि तुम लोग ना जाओ कहीं, वो बीच में तुम्हें घेर के मार ना डाले। जब हमने जिलाधिकारी से बात की तो उन्होंने मामला संज्ञान में नहीं है कहकर अपना दामन बचा लिया। हालांकि DM साहब ने जांच कराने की बात भी कही है। ये बात बिल्कुल भी संज्ञान में नहीं है, और ये जो जानकारी में बात लाई गई है कि मोहम्मदपुर बुजुर्ग में ग्राम समाज की जमीन पर किसी कब्जे की बात है, तो इसको मैं वहाँ पर राजस्व के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम भेज करके इसको देखेंगे। और ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने का अधिकार किसी को नहीं है, अगर किसी प्रकार का कोई अवैध कब्जा होगा तो उसे खाली कराया जाएगा। बीजेपी विधायक विनोद कटियार का करोड़ों रुपए की ग्राम समाज की जमीन कब्जा करना और अधिकारियों का उस पर मौन रहना कई सवाल खड़े करता है। कानपुर देहात से भारत समाचार के लिए दीपक की रिपोर्ट। चित्रकूट से खबर है गुरु कृपा।